कैसे हैं आप लोग? मैं काफ़ी समय से पुणे में रह रहा हूँ और 2012 से ही रह रहा हूँ। काफ़ी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि पुणे की सिटी के बारे में मैं क्या सा सोचता हूँ और बाकी के लोग क्या सोचते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो एज अ डॉक्यूमेंट्री मैंने इसके बारे में किया पहले कि मैं ये चीज़ करूँगा। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई और एक इंटरव्यू का भी सेशन हुआ, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट निकल के आया है, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किए हैं। तो मैं इसको पार्ट वाइज में आपके साथ शेयर करूँगा। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया है, और जो पुणे में काफ़ी समय से लोग रह रहे हैं, जॉब नौकरी लेकर रह रहे हैं, वो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, वो लोगों ने शेयर किया है। सो आप देखिए, अगर आपका कोई सजेशन हो तो सुझाव हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो एंजॉय द वीडियो। हेलो, मेरा नाम कौशल सिंह है और मैं बनारस से आया हूँ। और बेसिकली हम लोग पुणे के बारे में बात करेंगे। जो मैं 2010 में यहाँ पुणे में आया मास्टर डिग्री करने आया, और मैं यहाँ रहने नहीं आया था, मैं अपने डिग्री लेने आया था क्वालिफिकेशन के लिए। बट 3 साल मैंने अपनी डिग्री की, मास्टर डिग्री की, बट 3 साल में मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे यहीं पर रहना चाहिए। यहाँ का क्लाइमेट, वेदर, तो यहाँ के जो एटमोसफियर है रहने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। तो 2010 से 2019 मैंने सोचा यहाँ पे जॉब करने का था। मैं जॉब किया और 9 साल मुझे इस पुणे में हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। तब मैं 2010 में यहाँ पे आया था और अभी आज के टाइम पे 9 साल हो गए मुझे जॉब करते। और पुणे के बारे में क्या बताऊँ, यहाँ पे आप फैमिली के साथ रह सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा ऐसा प्लान भी है, मेरा आगे मेरी शादी का अभी प्रोसेस चल रहा है, तो हो सकता है मैं यहाँ पे सेट हो सकूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर चीज़ देखा है, हर चीज़ अवेलेबल हो सकती है। आप कहीं भी चले जाओ, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक के मामले में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, हालांकि ट्रैफिक रहते हैं ठीक है यहाँ पे, पर यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, मतलब आप हर चीज़ में एडजस्ट कर लोगे। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, क्वालिफिकेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, जॉब के मामले में, इंडस्ट्री एरिया है, और सबसे बेस्ट ये आईटी सिटी है। आईटी वालों के लिए तो मतलब मैं वन ऑफ द बेस्ट सिटी फॉर द जॉब करने के लिए, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आईटी में हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ की कंपनी भी आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से पे करती है। तो पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब आप जानते होंगे कि सब आईटी सिटी और पैसे के मामले में अच्छा है, तो मुझे पुणे बहुत अच्छा लगा, रहने के लिए बहुत अच्छा है। और ये तो हो गई पॉजिटिव बातें पुणे की, बट कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो कुछ अब नेगेटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव ये है कि जब मैं आया था 2010 में, मुझे 2 साल तक ऐसा लगा कि मैं कहाँ पर आ जाऊँ, यहीं पर रहूँ, ये भी सोचता हूँ रहने का, बट यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, ये सब चीज़ें और इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि पहले बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, वैसा नहीं है, बट बिल्डिंगें बन रही हैं, ये सब चीज़ें ट्रैफिक, इस ट्रैफिक के मामले में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट पुणे सिटी बेस्ट है रहने के लिए। सब चीज़ें, चीज़ों को तो रोक नहीं सकते हैं, वो तो बढ़ती है। फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, खास करके गर्ल्स के लिए बहुत सेफ सिटी है। मैंने यहाँ पर जैसे फील किया, आप रोड पे 12-1 बजे या 2 बजे कहीं से भी आओ, पार्टी करो, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, आप सीधे जाओ पार्टी करो, कोई भी रोकने वाला, मतलब अच्छा यहाँ पे सिक्योरिटी है, ऐसा मेरा फील किया। तो बारिश से बच के रहिए, अगर आप आईटी में जॉब कर रहे हैं तो बारिश से परेशान हो जाएगा। हालांकि बारिश में लोग घूमने निकलते हैं, लोनावला, खंडाला, बहुत सारे हिल स्टेशन हैं यहाँ पे, प्रवासा, जहाँ की मैं अच्छे हर जगह घूम चुका हूँ, बट बारिश तो यहाँ की, आप सोचोगे बारिश होती है घर से निकले स्टार्ट, बिना भीगे तो आप ऑफिस जा ही नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे बारिश के चक्कर में, ऐसा मैंने फील किया। बट अच्छा लगता है, हमारे यहाँ बारिश होती है लगातार 2 घंटे बंद हो जाती है, बट यहाँ पे 1 घंटे होगी फिर स्टार्ट, दिन भर बारिश होती है, बारिश से बस रिलैक्स रहो, और सब अच्छा है। हाँ, अगर आप
आप एजुकेशन कहीं भी करो बट एक बार जॉब के लिए बहुत अच्छी सिटी है यहाँ पे। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, आईटी सिटी है, मीन्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अगर आपने बीटेक किया है, एमबीए किया है, एमसीए किया है, बीसीए भी इवेंट किया है आपने, तो आप यहाँ पे खाली नहीं बैठ सकते और अच्छे खासे पैकेजेस मिलते हैं। पुणे की सबसे अच्छी अच्छी मुझे यही है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो आप अगर दिल्ली से एमसीए किया है, एमबीए किया है या कहीं और से भी किया है, आप सोचो, ये मत सोचो कि मुझे पुणे से ही एजुकेशन करना है, वही जॉब करना। आप बाहर से भी आके यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं पुणे की अच्छी चीज़। आप और आप रहोगे यहाँ पे तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे घूमने की बात करूँ तो बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जहाँ जहाँ मैं जा चुका हूँ। लोनावला जा चुका हूँ, खंडाला जा चुका हूँ। लोनावला तो हम सुबह उठते हैं, चाय पी के आ जाते हैं, मतलब अच्छा लगता है। बाइक राइड पे जाओ, अगल बगल माउंटेन्स है, बहुत अच्छा लगता है। आप खंडाला जाओ, लवासा जाओ, यहाँ पे भीमा शंकर है, बगल में शिरडी है, हर चीज़ें यहाँ पे अच्छी, आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। घूमने के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट सिटी पुणे।